गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर कार्बन। वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, अ पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल एंड मैचेस। आपको कैंडल को जलाना है, उसके बाद जलाने के बाद उसके सामने यदि आप पेपर रखोगे वो तुरंत जल जाएगा, और फिर उसके बाद आप वो लकड़ी का एक पीस टुकड़ा रखोगे और उसको पकड़ोगे तो वो इतना जल्दी नहीं जलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस बर्न होता है, एयर की प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस स्टार्ट्स बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर हमें पता चला कि पेपर जल्दी जल गया, मतलब उसका कम था और इसका कैसे था, ज़्यादा था। पेट्रोल हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर दैन केरोसिन। पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर मिट्टी तेल से कम है, इसलिए पेट्रोल वेपराइजेस इजीली एंड कैचेस फायर क्विकली। इसलिए हम पेट्रोल को स्टोव में यूज़ नहीं करते। ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। यू मस्ट हैव सीन वुड बर्निंग, एट फर्स्ट इट बर्न विद अ फ्लेम बट लेटर फ्लेम्स आर नॉट सीन। हम देखते हैं कि लकड़ी जब जलती है तो हमें पहले धुआं दिखता है और थोड़ी देर बाद धुआं दिखना बंद हो जाता है। बट कैम्फर एंड वैक्स बर्न विद फ्लेम, बट कपूर और मोम जब जलता है तो हमें उसकी ज्योत दिखती है। व्हेन वी पुट आउट द कैंडल देन यू फाइंड वाइट पेपर्स इवॉल्विंग फ्रॉम इट। और जब कैंडल को हम बुझाते हैं, मोमबत्ती को, तो उसमें से वाइट कलर का धुआं निकलता है। ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर दिस वाइट पेपर द कैंडल्स लाइट अप। और यदि हम जल एक मैचस्टिक को वहाँ पे लाओगे, लाइटेड मैचस्टिक को, तो वो क्या हो जाएगी, कैंडल फिर से जलने लगेगी। ओनली दो सॉलिड्स और लिक्विड्स विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस वेपर्स बर्न विद अ फ्लेम। इससे हमें क्या पता चला, ऐसे सॉलिड्स या लिक्विड्स जो कैसे हैं, विच ऑन हीटिंग, जिनको हीट करने के बाद प्रोड्यूसेस वेपर्स एंड बर्न विद अ फ्लेम। सो फ्लेम इज दैट एरिया, इसका मतलब ज्योत जो आप देखते हो, इज दैट एरिया वेयर गैसियस सब्सटेंसेस आर कंबस्टिबल। जितने भी गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो उस ज्योत एरिया में यानी ज्योत में जलते हैं। सो ऑल कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंसेस फॉर्म अ फ्लेम। इस तरह से जितने भी कंबस्टिबल गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फ्लेम। क्लियर? नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, आपको कैंडल को जलाना है, बर्न द कैंडल, और उसकी फ्लेम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो वो भी अंधेरे में ले जाओगे तो ज्योत को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, और उसका हमें एक पिक्चर ड्रॉ करना है या डायग्राम ड्रॉ करनी है। कैंडल मैच बॉक्स चिप ऑफ वुड, प्लेस अ वुडन चिप ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम। एक लकड़ी की छोटी सी चिप ले लो आप और उसको फ्लेम के ऊपर रख दो। रिमूव इट एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ इट हैज़ ब्लैकन, और उसको निकालोगे और देखोगे तो उसका कौन सा पोर्शन जो है वो काला हुआ है। प्लेस द अदर चिप ऑन द मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड अगेन ऑब्जर्व द ब्लैकन पोर्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट, क्या पता चला, द इनर मोस्ट पार्ट इज द डार्केस्ट। उसका जो अंदर का पोर्शन है फ्लेम का वो कैसा है, डार्केस्ट। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट, और इसको हम बोलते हैं कोल्ड पार्ट ऑफ द फ्लेम। और उस पार्ट में क्या होता है, देयर इज हॉट वेपर्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, बट यहाँ पे कंबशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का वो कैसा है, ये देखो, ये इनर मोस्ट जोन, ये कैसा है, डार्क कलर का है। यह डार्क कलर का है बट ये कैसा है, कोल्ड पार्ट है। और ये कोल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं,
उनका कंबशन नहीं होता है, इसलिए वो पोर्शन कैसा है। और वो कंबशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ तक हवा का ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। क्लियर। तो हमें इस पोर्शन का क्या याद रखना है, इनर मोस्ट पार्ट इज डार्केस्ट, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, एंड देयर इज नो कंबशन बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। क्लियर। द मिडल पोर्शन इज शाइनिंग ब्राइट जोन, फुल्ली पार्टली बर्न, फ्यूल पार्टली बर्न एंड फॉर्म्स कार्बन पार्टिकल विच शाइन्स वेन हॉट। अब हम इसका मिडल पोर्शन देखते हैं तो ये आपको एकदम ब्राइट और शाइनिंग वाला लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो पूरी तरह से जल रहा है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस शाइनिंग ब्राइट जोन, फ्यूल पार्टली बर्न एंड फॉर्म कार्बन पार्टिकल, वो पार्टली बर्न हो रहा है फ्यूल, जो भी आपने यहाँ पे फ्यूल यूज़ किया है वो कैसा हो रहा है, पार्टली बर्न हो रहा है और वो कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो शाइन हो रहा है और वो कैसा है, बहुत हॉट है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज स्लाइटली ब्लू इन कलर, आउटर मोस्ट पार्ट का कलर कैसा है, स्लाइटली ब्लू। ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफियर मिक्सेस प्रॉपरली विद द फ्यूल एंड देयर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट कम्बशन, और ये जोन कैसा है, हॉटेस्ट जोन, और यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 1800 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे हवा में जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिक्स होता है और ये अच्छे से जलता है, कंप्लीट कंबशन, और ये बहुत तेज गर्म होता है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 1800 डिग्री सेल्सियस। गोल्डस्मिथ यानी सुनार यूज फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प टू मेक अर्नामेंट इन डिफरेंट फॉर्म आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप देखे होंगे सुनार की दुकान में एक दिया जलते रहता है और वो ऐसे नली से फूंक मार के कुछ करते रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, अर्नामेंट्स। विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप दे सेंट्रलाइज द फ्लेम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वो जो ब्लो पाइप रहता है बड़ा वाला, उनके पास एक हलो पाइप रहता है जिससे वो फूंकते हैं, उसकी वजह से, वो फूंकने की वजह से जहाँ पे उनको एग्जैक्ट गर्माहट चाहिए उस पोर्शन को वो वहाँ पे लाते हैं, या हवा की वजह ऑक्सीजन को उसमें मिलाते हैं। एयर ब्लोन थ्रू ब्लो पाइप हेल्प द अनबर्न्ड फ्यूल टू बर्न एंड मेक्स द फ्लेम हॉटर, और वो हवा फूंक से क्या होता है, जिस पोर्शन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है उस पोर्शन में भी ऑक्सीजन पहुंचता है, और वो जो फ्यूल नहीं बर्न हो रहा वो भी बर्न होना स्टार्ट होता है और फ्लेम आपकी ज़्यादा हॉट हो जाती है। व्हाट आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर कंबशन, कंबशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कंबशंस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, राइट, और बिना ऑक्सीजन के आप किसी सब्सटेंस को क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कंबशन ही नहीं होगा। तो फेवरेबल कंडीशंस फॉर कंबशन क्या हो गई फिर, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, इसके अलावा एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़े हैं, इसमें से आप उसका आंसर लिखोगे। थ्री एक्टिविटीज आर देयर एंड आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, आंसर इज टिक मार्क। इग्निशन टेम्परेचर का आंसर यहाँ पे है आपका, ये है आपका आंसर नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सब्सटेंस डज वी गेट अ फ्लेम, हमें कौन से इससे फ्लेम मिलती है, ये भी मैंने लिख के दिया है, मतलब अंडरलाइन करके दिया है, वी हैव ऑलरेडी अंडरलाइन दिस पोर्शन, यहाँ पे दिया है इसका आंसर, आप यहाँ से लिखोगे आंसर नंबर 3।
ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, 3 का आंसर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। हॉटेस्ट जोन ये है आपका द, क्या लिखोगे, आउटर मोस्ट पार्ट, ये हॉटेस्ट जोन, आंसर नंबर 4, ये 4 का आंसर है। देन नेक्स्ट, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ कैंडल टू डिपिक्ट वेरियस जोन, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, आंसर नंबर 5। इन दिस वे यू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।